हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीटेक में। दोस्तों आज फाइनली बहुत दिनों के बाद आज मेरे पास आईकू जेड 3 स्मार्टफोन, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा बॉक्स है। इसकी अभी मैं क्विक अनबॉक्सिंग कर दूंगा विद इन 1 मिनट, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपसे 10 डे के बाद मिलूंगा और अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ इसी आईकू जेड 3 का। 10 दिनों के बाद ये कैसा परफॉर्मेंस देता है और सब कुछ डिटेल आपको देने वाला। सबसे पहले दोस्तों अगर बॉक्स के डिजाइन की बात करें तो कुछ इस तरह का बॉक्स का डिजाइन है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो। ऑलरेडी मैंने पहले से ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको बॉक्स को खोल लेते हैं। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही थोड़ा सा कुछ इस तरह का, कुछ अलग तरीके का यहाँ पर आपको बॉक्स देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हमें आईकू देखते हुए मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर हमें कुछ मिल जाती है, केस वगैरह मिल जाता है। इसको मैं निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें एक इसी आईकू जेड 3 का एक केस मिल जाता है। फिर यहाँ पर एक कुछ गाइडलाइन वगैरह, क्विक गाइड स्टार्ट वगैरह, ऐसी बुकलेट वगैरह मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमें एक सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है और फिर कुछ इस तरह से। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें इसी के बैक केस के बारे में, कुछ इस तरह का है इसका बैक केस। वैसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कंपनीज देती है स्टार्टिंग में स्मार्टफोन के बॉक्स में, कुछ इसी तरह का सिमिलर सा यहाँ पर भी आपको केस मिल जाता है। फिर हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बॉक्स के अंदर और कंटेंट देखते हैं। फिर हमारे ये स्मार्टफोन पड़ा मिल जाता है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं साइड में। अभी रख देते थोड़ा साइड में बॉक्स के अंदर और देख लेते हैं क्या कंटेंट है। फिर जैसे ही इस वाले कवर को निकालते हैं फिर हमें एक चार्जर मिल जाता है जो कि आईकू के तरफ से मिलता है और ये फास्ट चार्जिंग है। 55 वाट का हमें फास्ट चार्जिंग मिल जाता है आईकू की तरफ से। फिर दोस्तों यहीं पर केबल मिल जाता है आईकू की तरफ से जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। टाइप सी का आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पर आपको 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो ये 55 वाट का चार्जर आपके बैटरी को 40 मिनट के अराउंड में आपकी बैटरी को फुल्ली चार्ज कर देने वाला है। अब दोस्तों इन सबको रख देते हैं साइड में, सीधे आते हैं अपने स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर है दोस्तों ये अपना स्मार्टफोन जो कि साइबर ब्लू कलर में मेरे पास अभी अवेलेबल है। इसको भी ओपन कर ही लेते हैं। मुझे पर्सनली जब ये इसको ओपन करते हैं और ये जो आवाज निकलती है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की लगती है, जैसे आप लोग भी सुन पा रहे हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये है मेरा फोन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसी साइबर ब्लू कलर में। कुछ इस तरह की आपको बैक में डिजाइन मिलती है तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है बैक लुक। वहीं दोस्तों इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करें, आपको राइट साइड में एक पावर बटन मिल जाएगी, इसी पर आपको फिंगरप्रिंट माउंटेड है और यहीं पर आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाना है। अप साइड की यहाँ पर बात करें आपको एक सेकेंडरी माइक्रोफोन भी मिल जाता है, साथ ही साथ आपको सिम ट्रे टूल भी मिलने वाला है। यहाँ पर लगे हाथ में सिम ट्रे टूल को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट्स मिलता भी है या नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ पर इसके स्लॉट्स को ओपन कर लिया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, बट अगर आप एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो या फिर आप दोनों सिम कार्ड यूज करो तो आप मेमोरी कार्ड नहीं यूज कर सकते हो। और दोस्तों अभी मैं अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो ये बिल्कुल क्लीन रखा गया, इस साइड कुछ भी नहीं है। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड पे आपको स्पीकर्स मिल जाता है, आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड 3.5 mm जैक यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाता है। और दोस्तों मैं लगे हाथ इसको बूट कर लेता हूं, तब तक मैं इसके कैमरे के बारे में बता दूं। यहाँ पे आपको बैक साइड पर ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप मिल जाता है जो कि आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है विद 1.79 अपर्चर के साथ में। और यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। वहीं दोस्तों ये जो फ्रंट कैमरा है वाटर ड्रॉप नॉच की तरह आता है, तो आप लोग कुछ ऐसा देख पा रहे हो, कुछ यहाँ पर इस तरह का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाने वाला है। वहीं दोस्तों इस फोन की थोड़ी सी और डिटेल में बात करें, आपको इसी फोन में मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 768 वाला चिपसेट जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी पर है। बट दोस्तों इस फोन का एक ही ड्रॉबैक है कि आपको यहाँ पर IPS डिस्प्ले मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाने वाला है। वैसे दोस्तों इन हैंड लेकर के इस फोन में बहुत ही ज्यादा वेट तो नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका वेट आपको मिल जाएगा 185 ग्राम का, तो वही बहुत ज्यादा लाइट वेट लग रहा है। वहीं दोस्तों इसकी बैक साइड की बात करें तो देख के पूरा लग रहा है कि यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक दिया गया है और आपको
आउट ऑफ द बॉक्स एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाएगा जो कि ऑब्वियसली एक प्लास्टिक का रहने वाला है। अगर आप टेम्पर्ड प्रोटेक्टर लगवाना चाहते हैं तो आपको मार्केट से लगवाना पड़ेगा। और दोस्तों इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये फनटच ओएस पर काम करता है और दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये इसमें आप 3GB रैम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए ऐसे ही कुछ इसकी अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशन है। अब मैं आपसे मिलता हूँ 10 दिनों के बाद और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। तो हे गाइस, अब मैं पूरे 10 दिनों के बाद मिला हूँ और आपको पूरा एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर आप कैमरा नहीं यूज़ करते हो, लाइक फोटो यूज़ करते हो बट वीडियोग्राफी नहीं करते हो, और दोस्तों यहाँ पर आप गेमिंग आधे घंटे से ज़्यादा नहीं करते हो, तो गाइस आपका बैटरी बैकअप मान के चलिए 24 आवर तो चल जाएगा। बट दोस्तों अगर आप गेमिंग भी कर रहे हो अच्छी खासी और वीडियोग्राफी भी कर रहे हो तो मान के चलिए आपकी बैटरी बैकअप 14-15 घंटे से ज़्यादा नहीं चलने वाली। बट दोस्तों यही एक ड्रॉबैक है, लेकिन उसका एक सोल्यूशन है। आपको यहाँ पर मिल जाता 55 वाट का चार्जर जो कि आपके फोन को 35 से 40 मिनट में फुल्ली चार्ज कर देगा। तो ये कुछ है दोस्तों बैटरी के बारे में। अब दोस्तों इसके प्रोसेसर की बात करते हैं। आपको 768 वाला चिपसेट मिल जाता जो कि ऑब्वियसली 765G वाले चिपसेट से बेहतर है। 7nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पर दोनों ही चिपसेट हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने सिर्फ BGMI गेम को प्ले किया है और काफी अच्छे तरीके से प्ले किया है, तो बहुत ज्यादा लैग सेशंस वगैरह देखने को नहीं मिले। बट हाँ, आप गेम खेलते हो तो ऑब्वियसली बात है आपकी बैटरी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाती है। तो गाइस ये रहा इसके प्रोसेसर के बारे में। रेंडर्स वगैरह अगर आप कर रहे हो तो भी वो बड़े इजी तरीके से रेंडरिंग आपके इसी फोन में हो जाता है। फिर दोस्तों अब मैं बात करूं आपके इसके कैमरे के बारे में, तो कैमरा का कुछ सैंपल्स वगैरह भी मैं आपको दिखा देने वाला हूं। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको नाइट मोड वगैरह, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो एंड मोर वाले सेक्शन में बहुत सारे आपको पनोरमा, लाइव फोटोज वगैरह ये सब कुछ मिल जाता है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो। मुझे पर्सनली दोस्तों इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा खराब तो नहीं लगी, लेकिन हाँ गुड से थोड़ा सा ऊपर लगा है, लेकिन वेरी गुड वाला सीन नहीं है। लेकिन दोस्तों अपनी प्राइस बजट के हिसाब से बहुत ही अच्छा ये फोन मुझे पर्सनली अभी के लिए लगा है। हाल दोस्तों मैंने अभी तक इसी iQOO Z3 को पूरे 10 दिनों तक इस्तेमाल किया है और इन 10 दिनों में मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला है इसी iQOO Z3 के साथ में। तो गाइस यहाँ पर अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, बहुत बढ़िया। साथ ही साथ आपको टच सैम्पलिंग 180Hz की मिल जाती है, ये भी ठीक ठाक है। तो गाइस यहाँ पर आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती है। इस वजह से अगर आप AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल कर रहे थे कोई फोन और शिफ्ट कर रहे हैं इस वाले स्मार्टफोन पर तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है AMOLED में आपको बेहतरीन से बेहतरीन, मतलब बहुत ज्यादा आपको कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर आप IPS चला रहे थे और IPS से शिफ्ट हो रहे हैं तो कोई डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगी, लेकिन AMOLED से IPS पर जाती बातें आपको डिफरेंसेस पता चलेगी। वैसे दोस्तों अगर आपको AMOLED एंड IPS में फर्क नहीं पड़ता है तो आप डेफिनेटली इसी iQOO Z3 के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। सब कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन बहुत ही ऑसम है और ऑसम परफॉर्मेंस भी दे रहा है। सिर्फ मुझे यहाँ पर अगर IPS डिस्प्ले की जगह AMOLED डिस्प्ले दे देते तो ये अब फिर मैं कुछ नहीं कर सकता था और आप लोगों को फुल्ली तरीके से इसी iQOO Z3 को अंडर 20,000 में रेकमेंड कर देता। फिलहाल दोस्तों अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप इस iQOO Z3 को ले सकते हो। और दोस्तों इसके फिजिकल ओवरव्यूज वगैरह में इसकी वॉल्यूम रॉकर्स की बटन एंड पावर बटन काफी अच्छे तरीके से वर्क वगैरह कर रही है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी मुझे ऐसा लैग स्टेटस देखने को नहीं मिले। और सबसे अच्छी बात, इस फोन का बहुत ज्यादा हैंडी है, हैंड में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जा रहा है और बहुत ही अच्छा ये लाइट वेट है, 185 ग्राम के आसपास का है, जो कि इन हैंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है, बहुत ज्यादा वेट नहीं लग रहा है। तो गाइस ये कुछ है इसी iQOO Z3 का। मैंने आपको इस वीडियो में इसकी क्विक अनबॉक्सिंग एज वेल एज आपको 10 दिनों का एक्सपीरियंस भी बता दिया। तो गाइस ऐसा कुछ है इसी iQOO Z3 का। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल से मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑलवेज लाइक भक्ति एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।